स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप बाल महाभारत कक्षा 7 का पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ोगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मलाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वे मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राज गद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी कह न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, अजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रागत और विचित्रवीर। शांतनु के देहवसान पर चित्रागत हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा।
शांतनु की दो रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से उनके पुत्र थे देवव्रत, सत्यवती के दो पुत्र थे चित्रागत और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इस चैनल को और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।